अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल नो एक्शन टाइप वन, सॉरी पास्ट सिंपल नो एक्शन टाइप वन। बेटा प्रेजेंट हम आप लोगों को पहले भी करवा चुके हैं, और मेरे बच्चों मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि बेटा आपके पास जो टेंसेज हैं, कन्फ्यूज मत होना, मैं थोड़े से अलग नाम से भी अगर पढ़ाऊँ तो, लेकिन लेट्स बिगिन। मेरे बच्चों यहाँ पर हमारे पास पास्ट सिंपल में दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, वॉज एंड वर। अब वॉज इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चों आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो बाकी जो कुछ बचेगा उसके साथ आएगा वर। सही है? अब जरा शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों। पहला सेंटेंस आ रहा है हमारे पास, मैं बीमार था। ठीक है, तो बेटा जरा इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे रायहा, बेटा जरा माइक पर आइएगा। रायहा बेटा माइक पर आइए। जी सर बोलें। बेटा जरा सेंटेंस देखो, लिखा मैं बीमार था। मेरा बच्चा इस सेंटेंस के मुताबिक इसका अगर हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो बेटा सब्जेक्ट क्या है हमारे पास सेंटेंस में? तो बेटा मैं को क्या बोलेंगे बताओ? आई जमी आई, आई बोलेंगे, आई आई बोलेंगे। ठीक है, आई बोलें हाँ। तो मेरा बच्चा आई के साथ हमारे पास पास्ट में दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज एंड वर। तो मेरा बच्चा बताओ आई के साथ क्या लगेगा जो तुमने नोट डाउन किया अभी तक? सर आई वॉज। अब बीमार को बोलते हैं सिक या फिर इल, आपकी मर्जी कोई भी यूज कर लो। तो क्या बन गया मेरा बच्चा सेंटेंस, आई वॉज सिक या इल? बताओ बेटा नेगेटिव क्या बनेगा हमारे पास? आई वॉज नॉट सिक ओके शाबाश। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? वॉज आई सिक अरे आराम से, क्या हो गया इतनी जल्दी किस बात की है मेरा बच्चा, चल सुकून से, परेशान क्यों हो रहे हो? इंट्रो नेगेटिव क्या बनेगा? Was I not sick? ठीक है, अच्छा भाई ठीक है। अच्छा भाई, आई वॉज सिक, आई वॉज नॉट सिक, वॉज आई सिक, वॉज आई नॉट सिक। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा बेटा इसके बाद अगर पूछते हैं हम लोग, किससे पूछें भाई, एक मिनट रुकिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, हमारे पास मेरे बच्चों हम लोग जरा पूछते हैं अब किससे। हारून बेटा माइक कराओ जरा। हारून, हेलो हारून बेटा, वो अगर आप कुछ बोल रहे हो तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है भाई, सही है, माशाल्लाह से माइक नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा फिर हम किसको बोले भाई इसके अलावा? मैं चाह रहा था एक लड़का एक लड़की हो जाए ताकि मतलब क्या आराम से मैं पूछ भी सकूं। तो उसके अलावा बोले मोहम्मद अमान बेटा माइक पर आओ। अमान बेटा, अमान बेटा माइक पर आओ। अमान मेरा बच्चा माइक पर आओ, जल्दी करो मेरा बच्चा, हमने पास के साथ फ्यूचर ही पढ़ाना है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा भाई अमान भाई बोल रहे हैं, मसला है जरा। ठीक है तो फिर हम किससे पूछें? दर्शना बेटा माइक पर आओ जरा। जी सर, क्या बेटा जरा सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हमारे पास, हम कराची में थे? क्या हम कराची में? बताओ मेरा बच्चा, दिस वन इज इन इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव के मुताबिक बेटा देखो हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ होगा हेल्पिंग वर्ब, ऐसा ही है। लेकिन मेरा बच्चा हम जानते हैं कि वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या बेटा? क्या हम बताओ, इस सेंटेंस में मेरे हम बच्चे हम, हमको क्या बोलते हैं? बी वी। तो मेरा बच्चा बताओ वी के साथ क्या आएगा? मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ है कि वॉस तो आएगा आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो बता बेटा वी के साथ क्या आएगा? वॉस आएगा, वर आएगा, वर वर। तो बताओ क्या बनेगा सेंटेंस? वर बी इन कराची शाबाश, ठीक है, वर बी इन कराची, क्वेश्चन मार्क। अब अफर्मेटिव क्या बनेगा बेटा बताओ? शाबाश। वर इन कराची नेगेटिव क्या बनेगा? वर वी नॉट इन कराची अरे मेरा बच्चा, चलो वो बाद में बनेगा, नेगेटिव बनेगा, वी वर नॉट इन कराची और वर वी नॉट इन कराची। शाबाश, ठीक है, गुड 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 गुड। अच्छा मेरे बच्चों बेटा यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया, और जरा जल्दी से जरा ये मेरे बच्चों जरा नोट डाउन करना शुरू करो सारे के सारे, जल्दी से मेरे बच्चों जरा ये नोट डाउन करो। उसके बाद बेटा फिर मैं आपको इसके सेंटेंसेस दूंगा, फिर वो नोट डाउन कर लेना, उसके बाद मैं फिर फ्यूचर भी करवाऊंगा उसको भी नोट डाउन कर लेना। जल्दी करो मेरे बच्चों, आज हमारा काम थोड़ा ज्यादा है इसलिए बोल रहा हूँ, जरा जल्दी हाथ चलाओ सारे के सारे।
ठीक है, शाबाश। और पहले बोल रहा हूँ तुम लोगों को, मैं पूरा पूरा प्रॉपरली ध्यान दे रहा हूँ, तुम लोगों में से एक बच्चा भी गायब नहीं होना चाहिए आगे की क्लासेस में। सारे बच्चे मुझे टाइम पर चाहिए हो, ये अगर कोई सोच के बैठा अभी अभी तक माशाल्लाह से अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है, आगे अगर किसी ने ये हरकत करी ना कि सर बाद में करेंगे, कोचिंग खुल जाएंगे, ये करेंगे, अभी वैसे कुछ पता ही नहीं, वैसे भरोसा नहीं है लोगों का माशाल्लाह से, हमारी ऐसी ऐसी जो भाई डिसीजन लेने वाले बैठे हैं सारे के सारे, तो सब के सब मुझे बच्चे चाहिए सारे। एक तो वैसे ई सेक्शन में आए हो, ऊपर से अब और लेट हो गए हो, तुम लोग सबसे पीछे चल रहे हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद हम लोगों ने बहुत सारा सिलेबस अल्लाह के करम से कवर कर लिया है। जल्दी करो मेरे बच्चों, फिर मुझे मैसेज करो कि डन। मैं तुम लोगों को टोटल दे रहा हूँ 3 मिनट्स, 3 मिनट्स के बाद मैं तुम लोगों को ये जरा स्लाइड चेंज कर लूंगा, उसके बाद मैं जरा पास्ट के सेंटेंसेस दिखाऊंगा, वो नोट डाउन करना, और उसके बाद फिर मैं फ्यूचर समझाऊंगा, फिर बनाना सारे एक साथ बैठकर। अभी जरा सिर्फ ये दो कर लो, शाबाश। गुड बेटे बच्चों, जरा बच्चों का मैसेज आ गया मेरे पास, 5-6 बच्चों का मैसेज आ गया, शाबाश मेरे बच्चों। बेटा आप लोग जरा जल्दी काम कर रहे हो, मेरे सारे चीते बच्चे हैं, शाबाश यार। बाकी बच्चे भी बेटा जरा जल्दी जल्दी कीजिए। ओके बेटा अर्शद, गुड साइम बेटा, शाबाश। बेटा 1 मिनट रिमेनिंग, उसके बाद मैं हटा दूंगा, पहले बोल रहा हूँ मैं, बल्कि शायद तकरीबन सारे बच्चों को मैसेज आ गया है, मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद जरा सारे के सारे, जरा अगर अभी तक किसी ने लिखा नहीं है तो स्क्रीन शॉट ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मेरे बच्चों जरा बनाना मत, अभी सिर्फ इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, सिर्फ इसको सेंटेंसेस को नोट डाउन करके मेरे बच्चों इनके आंसर्स की जगह छोड़ दो। जल्दी करो मेरे बच्चों सारे के सारे, बेटा इन सेंटेंसेस को मेरे बच्चों नोट डाउन करके सिर्फ इनकी बेटा जगह छोड़ दीजिए, इतना सा काम करना बेटा आपने। मैं फिर फ्यूचर करवाऊंगा, जब वो पूरा करवा दूं, समझा दूं, तब बनाना शुरू करना, और ये करने के बाद मुझे मैसेज कर देना पास्ट डन, ताकि मुझे आईडी, क्योंकि बेटा सारे बच्चों का डन डन का मैसेज आया हुआ, तो ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो जरा। शाबाश, सेंटेंस उतारो और इनके आंसर्स की जगह छोड़ते रहो, जो दूसरा मैंने करवाया है अफर्मेटिव नेगेटिव, जो चार चार आंसर करते हो बेटा, शाबाश। Thank you.
ओके मेरे बच्चों बेटा, हम जरा अब करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम दे दिया है बेटा, अब जरा सा अगर किसी ने अभी तक नहीं किया मेरे बच्चों तो जरा स्क्रीन शॉट ले लो इसका, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक मिनट रुको जरा। कौन साइम बेटा, क्या बोल रहे हो? स्क्रीन नहीं आ रही आपकी, बात समझ नहीं आई मेरा बच्चा मुझको। साइम बेटा, आप बोल रहे थे स्क्रीन नहीं आ रही, अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही बेटा क्या? भाई कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास स्क्रीन नहीं आ रही है या सब? साइम बेटा एक मिनट रुको, मैं दोबारा से जरा शेयर कर देता हूँ बेटा। अगर उसके बावजूद नहीं आ रही तो मेरा बच्चा फिर मेरा फॉल्ट नहीं है, ठीक है, मेरी तरफ से मस्सा नहीं है बेटा। देखो अब आ रही है या अब भी नहीं आ रही? साइम बेटा अब देखो अब आ रही है कि अब भी नहीं आ रही है? चलो खैर हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास। ये तो खैर हमने वो कर दिया बेटा, आप जरा थोड़ा रुको फिर बेटा। सारे के सारे जरा मेरे बच्चे, ये फ्यूचर का बेटा जरा स्ट्रक्चर उतारो, सब बच्चे बेटा जरा फ्यूचर का स्ट्रक्चर उतार के मुझे जरा ओके का मैसेज करो या डन का मैसेज करो, फिर मैं जरा इसके भी जरा सेंटेंस एक दो बनवाऊंगा, फिर मैं आपको करने के लिए दूंगा। शाबाश सारे बच्चे बेटा, शुरू हो जाओ मेरे, जल्दी करो। ये वाला बेटा जरा जल्दी से नोट डाउन करो। ओके बेटा साइम, गुड, शाबाश मेरा बच्चा। जल्दी से मेरे बच्चों ये नोट डाउन करो बेटा, हम लोगों ने आज लाजमी करना है मेरे बच्चों ये। हाँ भाई मेरे बच्चों, अभी भी कुछ बच्चे रिमेनिंग है, ज़रा जल्दी से बताओ मुझे मेरे बच्चों। अभी तक मेरे पास कुछ बच्चों का मैसेज नहीं आया बेटा। बेटा अगर अभी तक कुछ बच्चों ने मैसेज नहीं किया तो मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मेरे बच्चों बेटा फ्यूचर के दो सेंटेंसेस बेटा मैं आपको अपने सामने आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं डॉक्टर हूँगा, ठीक। अब बेटा जरा इस सेंटेंस को हम जरा बनाते हैं अपने सामने एंड लेट्स सी। लाइबा बेटा जरा माइक पर आइएगा, लाइबा बेटा जरा माइक पर आयो। जी सर। बेटा जरा सेंटेंस देखो, मैं डॉक्टर हूँगा,
तो मेरा बच्चा सब्जेक्ट में क्या आएगा सेंटेंस में बताओ? आई हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्यूचर का बताओ? विल और फिर अब विल क्या आगे क्या लिखा बताओ? हेल्पिंग वर्ब क्या आगे क्या लिखा है? बी आई विल बी क्या बन गया बताओ? आई विल बी अ डॉक्टर. आई विल बी अ डॉक्टर शाबाश. नेगेटिव क्या बनेगा बेटा? आई विल नॉट बी अ डॉक्टर शाबाश. आई विल नॉट बी अ डॉक्टर. इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? विल आई बी अ डॉक्टर. ओके और इंटू नेगेटिव क्या बनेगा बेटा? विल आई नॉट बी अ डॉक्टर शाबाश गुड. अच्छा इसके बाद हम बोलते हैं किसको बनाने के लिए कहें, एक मिनट को फैज बेटा माइक पर आओ जरा. फैज बेटा माइक पर आइए. फैज बेटा माइक पर आ जाओ. चलो ये फैज भाई नहीं आ रहे हमारे पास. अच्छा ओके 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 ओके. अच्छा भाई किससे बनवाऊँ फिर मैं? ये भी हो गया ये भी हो गया. असद बेटा माइक पर आओ. असद बेटा माइक पर आओ. जी सर. बेटा जरा सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा हमारे पास नेक्स्ट देखो जरा. क्या हम खुश होंगे? तो मेरा बच्चा ये हमारे पास इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव के मुताबिक बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब. अब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो आएगा ही क्या बताओ? विल. विल आएगा. और फिर सब्जेक्ट क्या बेटा? हम. हमको क्या बोलते हैं बताओ? वी. विल वी. फिर आएगा लिखा बताओ जरा. खुश होंगे. नहीं विल वी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या आएगा? देखो इंटरोगेटिव में एक और चीज देखी होगी देखो जरा. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. विल वी बी और खुश को क्या बोलते हैं? हैप्पी. हाँ तो क्या बन गया? विल वी बी हैप्पी. शाबाश. अफर्मेटिव क्या बनेगा बेटा बताओ? वी क्या कहेंगे सर? वी विल हैप्पी. वी विल बी हैप्पी. वी विल बी हैप्पी. शाबाश बेटा. नेगेटिव क्या बनेगा? वी विल नॉट बी हैप्पी. ओके और इनटू नेगेटिव क्या बनेगा बेटा? विल वी नॉट बी हैप्पी. Will we not be happy? शाबाश. Okay. अब मेरे बच्चों जरा जल्दी से बेटा आप लोग जरा ये नोट डाउन करो और एक काम करो ये बेटा जल्दी से नोट डाउन करने के बाद मेरे बच्चों जरा आप लोग जरा फटाफट करो उसके बाद मैं आपको फ्यूचर के भी सेंटेंस करने के लिए दूंगा जरा जल्दी करो. वैसे भी तुम लोगों की अगली क्लास बेटा मंडे को होनी है इंशाल्लाह मतलब के इंग्लिश की तो तुम लोगों के पास काफी टाइम होगा तो तुम लोग आराम से बना सकते हो. जल्दी करो मेरे बच्चों. मुझे जरा करके बेटा इन्फॉर्म करो जरा सारे बच्चे जब ये कर लो बेटा मुझे इन्फॉर्म कर देना कि सर डन. जल्दी करो मेरे बच्चों. बेटा तुम लोग टाइम लगा रहे हो शाबाश. बेटा मैं अब जो बच्चे रिमेनिंग हैं मैं आप लोगों के लिए बेटा काउंट कर रहा हूँ जल्दी से कर लो जरा. अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं किया बेटा जल्दी करो फिर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब बेटा ये जो बाकी सब बच्चे ना काइंडली बेटा जरा जल्दी से इन सेंटेंस को नोट डाउन कर लो क्योंकि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बेटा मैंने कुछ और स्लाइड सिखानी है एक सब्जेक्ट का चार्ट दिखाना है. तो काइंडली बेटा जब ये आप लोग सेंटेंसेस नोट डाउन कर लो ना
तो मुझे मैसेज कर देना नोटेड का, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे बच्चों आप लोगों ने सब कुछ नोट कर लिया है, मतलब अप टू फ्यूचर आप लोग सारे सेंटेंसेस नोट डाउन कर चुके हो, ताकि मेरे बच्चों फिर बाद में जो है तमाम बच्चों को जरा ये फिर दिखा सकूँ। ठीक है बेटा, सारे के सारे शुरू हो जाओ। यहाँ तक नोट डाउन करने के बाद बेटा मुझे मैसेज कर देना नोटेड का, ताकि मैं ज़रा दूसरे बच्चों को बेटा ज़रा स्क्रीनशॉट लेने हैं तो उनको ज़रा मैंने हेल्प करनी है। शाबाश बेटा, ज़रा जल्दी से कीजिए। अब जरा तुम लोग बनाना शुरू कर दो, मस्ता नहीं है, तुम लोग सारे के सारे बच्चे बनाना शुरू कर दो। ठीक है मेरे बाद बच्चों के मैसेजेस आना शुरू हैं, लेकिन अभी भी सबके नहीं आए मेरे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चों के मैसेज आए हैं और क्लास में माशाल्लाह से ठीक ठाक बच्चे बैठे हैं। अभी सारे के सारे ज़रा मैसेज करो मुझको। अच्छा बेटा असद पढ़ के बता रहा हूँ, असद बेटा ज़रा देख लो, पढ़ रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने। ठीक है, तुम मशहूर नहीं होगे, क्या वो कराची में नहीं होगा, वो उस्तानी होगी, मेरे दोस्त अफसरदा होंगे, आमना कामयाब होगी, क्या अली और अकबर बहादुर होंगे। असद बेटा डन है, समझ में आ गई बात मेरा बच्चा? मैंने आपके लिए तमाम सेंटेंस पढ़ लिए मेरा बच्चा। ठीक है बेटा, अगर अभी तक किसी ने नहीं लिखा है तो मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, अब इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अगर अभी तक किसी ने नोट डाउन नहीं किया है तो बेटा ज़रा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ भाई, आई होप आप लोगों ने दे लिया हो। और इर्ज़ा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जल्दी नहीं आ गए बेटा आप क्लास में? इर्ज़ा बेटा कहाँ थे, इतना अपना लेट ज्वाइन किया बेटा आपने? अच्छा भाई ये देखो, ये तमाम बच्चे ज़रा देख रहे हो ना, क्या कहते हैं अपना, ये ज़रा सारे के सारे बेटे बच्चे ज़रा चेक करो। हमारे पास जो है ये सब्जेक्ट का चार्ट है, जिनके पास बेटा ये चार्ट नहीं है काइंडली ज़रा स्क्रीनशॉट लो और मुझे बताओ कि डन ले लिया। ये सब्जेक्ट्स के लिए बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन का चार्ट जिसके पास नहीं है स्क्रीनशॉट लो और ये बनाना है। मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, ये तुमको हेल्प मिलेगी इससे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने में। अरे अगर है तो मस्ता नहीं है, जिनके पास नहीं है मैं उन बच्चों का बोल रहा हूँ, जिनके पास ये वाला चार्ट नहीं है मेरे बच्चों, ये तुम लोगों ने इस तरह बनाना है, पहले बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। सेट है? इर्ज़ा बेटा जरा, इर्ज़ा बेटा जरा माइक पर आओ बेटा, इर्ज़ा मेरा बच्चा माइक पर आओ जरा। जी सर। बेटा मैं अभी ना इंशाल्लाह जो है थोड़ी देर के बाद ही क्लास से वाइंड अप होने के बाद मैं आप लेक्चर अपलोड कर दूंगा, मेरा बच्चा देख लाजमी लेना जरा। ठीक है जी सर, ले लूंगा बेटा, क्योंकि ना हमने आज जरा पास्ट और फ्यूचर की जरा एक्सरसाइज करवाई है तो आई थिंक काम हमारा काफ़ी ज़्यादा होगा, तो बेटा थोड़ा जरा प्रॉपरली कर लेना। सेट है? अच्छा मेरे बच्चों बेटा, आई होप कि तुम लोगों ने काम कर लिया हो। सही है, तुम लोगों को मैं पूरा का पूरा काम दिखा चुका हूँ, जिन बच्चों के पास नहीं था वो भी दिखा चुके हैं। लेकिन बेटा आज का हम इसको क्लास को यहीं पर रोकते हैं। सही है,
और मैं ज़रा जैसे कि अभी जो जो बच्चों का थोड़ा मिस भी हो गया मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों को ज़रा क्लास में भी थोड़ा अपलोड कर दूंगा, सेट है? तुम लोगों के ग्रुप पे लिंक भेज दूंगा, थोड़ी देर रुको ज़रा, थोड़ी देर तक भेजता हूँ, सही है? बट फिर आज के लिए इतना ही, सही है? अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ मेरे बच्चों, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।